हेलो गाइस, नमस्कार, आदाब, वणक्कम, सत श्री अकाल, दिस साइड राज गुप्ता एंड वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आई होप मैंने लास्ट वीडियोस में आपको जो क्या कहते हैं स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, मल्टीप्लिकेशन, बेसिक मल्टीप्लिकेशंस, और यूट्यूब पे भी मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड की हैं इसके कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। तो आई होप मेरी जितनी वीडियोस और ये घर पे शिक्षा नाम की जो पहल है, ये आपको बहुत काम में आ रही होगी और आप सारी वीडियोस को बहुत अच्छे से देख रहे होंगे और आपको समझ में भी काफ़ी अच्छे से आ रहा होगा। दोस्तों, आज इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लेके आया हूँ आप नया टॉपिक, सेंटर ऑफ ट्राइंगल। काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड थी सर सेंटर ऑफ ट्राइंगल के लिए, तो सेंटर ऑफ ट्राइंगल नया टॉपिक है आज का हमारा। अब देखो, इसमें बेसिक से टर्म्स हैं जो आपको फिफ्थ सिक्स क्लास में पहले भी पढ़ाए जा चुके हैं। फिफ्थ सिक्स तो मैंने बहुत छोटा कह दिया, लेकिन हाँ, एट्थ नाइन्थ में आपको पहले भी पढ़ाए जा चुके हैं, तो ये आपको मेरे हिसाब से आने चाहिए। और अगर नहीं आते हो तो आप जो नाइन्थ टेंथ की आपकी सेवन्थ एट्थ की एनसीईआरटी बुक्स हैं, आप उन्हें उठा के देखिए। वहाँ पर आप ये बेसिक टर्म्स जो मैं आपको बताने आ रहा हूँ उन्हें देखिएगा, वहाँ पर उनकी डेफिनेशन भी वहाँ से चेक कीजिएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता, ये आपको पता होना चाहिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता, एल्टीट्यूड क्या होती, हाइट, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी आपको क्या बात करें तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता, तो एंगल बाइसेक्टर भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। बहुत बेसिक टर्म्स हैं ज्योमेट्री के, ठीक है। ये ज्योमेट्री का सबसे अच्छा चैप्टर है, मतलब कह सकते हैं थोड़ा टफ है लेकिन बहुत आसान चैप्टर बच्चों, प्रॉपर्टीज बेस्ड चैप्टर है। दो चैप्टर ऐसे हैं, तीन चैप्टर जो ज्योमेट्री है प्रॉपर्टी बेस्ड चैप्टर है। एक होता है आपका सेंटर ऑफ ट्राइंगल, एक होता है आपका सिमिलैरिटी और कॉन्गेरेंसी, ठीक है। और तीसरा चैप्टर है आपका क्वाड्रिलेटरल, उसमें भी आपकी कुछ क्या कहते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज आ जाती है। तो ये सब प्रॉपर्टी बेस्ड चैप्टर है, ठीक है। अब देखिए, हम आगे बढ़ते हैं सेंटर ऑफ ट्राइंगल। सेंटर ऑफ ट्राइंगल में आपके अगर मैं बात करूं तो टोटल मिला के वहां पे चार सेंटर होते हैं ट्राइंगल के अंदर। देखो कौन कौन से चार सेंटर हैं सेंटर ऑफ ट्राइंगल, चार सेंटर हैं। सबसे पहले होता है आपका एन सेंटर, फिर आता है आपका सर्कम सेंटर, फिर आता है आपका सेंट्रोइड, और बाद में आता है आपका ऑर्थो सेंटर, ठीक है। पहले मैंने आपको दो सिखाने की यहाँ पे कोशिश की। सबसे पहले मैं बात करूँ एन सेंटर की, तो एन सेंटर की कुछ अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले समझो एन सेंटर होता क्या है। तो एन सेंटर क्या होता है, ध्यान से सुनना, एन सेंटर है क्या, जितने भी एक ट्राइंगल के अंदर जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं, एक ट्राइंगल के अंदर जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, तो एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट वो क्या कहलाता है, आपका एन सेंटर कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में एंगल ए को बाइसेक क्या कर रही है आपकी एडी, ये एंगल ए को बाइसेक कर रही। अगर मैं बात करूं एंगल बी को बाइसेक कर रही है आपकी बी, जो बी है वो एंगल बी को बाइसेक कर रही। और अगर मैं बात करूं जो सी एफ है, जो सी एफ है वो एंगल सी को बाइसेक कर रही, ठीक है। तो यहां पर तीनों बाइसेक्टर, मतलब कौन कौन सी आपकी, अगर मैं बात करूं एडी, अगर मैं बात करूं बी, और अगर मैं बात करूं सी एफ, तो इन तीनों बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जहां पर तीनों बाइसेक्टर एक दूसरे से मिल रही, जो आई आई इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो आई क्या कहलाएगा यहाँ पे आपका एन सेंटर कहलाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल का जो इन सेंटर होता है वो क्या कहलाता है आपका, कि द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर इज कॉल्ड इन सेंटर। ध्यान रखना, एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट वो क्या कहलाता है आपका, इन सेंटर कहलाता है। अब इन सेंटर में अगर बात करूं तो इन सेंटर में आपकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, सबसे पहले मैं यहां पे बात करूं, अगर आप देखो एक एंगल बीआईसी फॉर्म हो रहा है, एक एंगल बीआईसी, अगर मैं बात करूं बीआईसी, जो बीआईसी एंगल होगा, बीआईसी एंगल होगा आपका 90 प्लस में 1/2 ऑफ एंगल, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, तुम्हें याद रखना, ठीक है। ध्यान रखना, बीआईसी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल ए। तो अगर तुम्हें बीआईसी निकालने को आ जाए तो बीआईसी बराबर में हो जाता 90 प्लस 1/2 ऑफ एंगल ए। ऐसे ही बात करूं मैं, एआईसी आपको दिख रहा होगा, एंगल एआईसी, एंगल एआईसी बराबर में क्या हो जाएगा, 90 प्लस में 1/2 ऑफ एंगल, इसके सामने कौन सा एंगल है भाई, बी, तो एंगल बी। ऐसे ही अगर तुम्हें दिख रहा होगा एंगल एआईबी भी बन रहा है आपका, एंगल एआईबी, एंगल एआईबी क्या हो जाएगा आपका, एंगल एआईबी इक्वल्स टू 90 प्लस में 1/2 ऑफ एंगल, इसके सामने कौन सा है, सी। तो ये तीन बेसिक प्रॉपर्टीज हैं आपकी किसके लिए, इसके रिगार्डिंग। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे क्या देखना, थोड़ा सा देखने वाली बात है क्या, कि अगर तुम्हें क्वेश्चन में आ जाएगी आपको इन सेंटर कैलकुलेट करना, अगर तुम्हें इन सेंटर निकालना हो, तो सबसे पहले समझो यार, इन सेंटर की अगर मैं बात करूँ तो इन सेंटर को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ स्मॉल आर से, और इन सेंटर का जो फॉर्मूला होता है, इन सेंटर का ध्यान रखना, इन सेंटर का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा आपका, एरिया अपॉन में सही पेरीमीटर। एरिया किस चीज का आपका, ट्राइंगल के एरिया की बात हो रही, तो इन सेंटर का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन में सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ध्यान रखना, ठीक है, अपॉन में सेमी पेरीमीटर, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन में सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ये आपका इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला है। और यहां पे जो आपकी इन रेडियस होगी क्या होगी आपकी, अगर मैं आपको इस वाले ट्राइंगल में, तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि आईई इक्वल्स टू, आईई इक्वल्स टू आईडी और इक्वल्स टू आई एफ, ये आपकी तीनों क्या कहलाएंगे, आपकी
इन रेडियस कहलाएं। ये तीनों क्या हैं आपकी? इन रेडियस। ये इन सेंटर की छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको बहुत जरूरी है ध्यान रखना। एक पहले तो ये तीन एंगल होगा, एंगल BIC, एंगल AIC और एंगल AIB। उसके बाद आपका इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला होगा। इन रेडियस का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब इस वाले ट्राइंगल का एरिया अपॉन में इसी का क्या हो जाएगा, सही पेरीमीटर। तो आपका निकल के क्या आएगा, इन रेडियस। और फिर क्या है आपका, अगर मैं बात करूँ इस वाले ट्राइंगल में इन रेडियस है क्या, तो IE, ID और IF, ये तीनों दूरियां बराबर होंगी, क्या है आपकी, इन रेडियस कहलाएगी। इन रेडियस को अपन हिंदी में कहते हैं अंतः त्रिज्या, ठीक है, ध्यान से सीखिएगा इन सब बातों को। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सरकम रेडियस, सरकम सेंटर क्या होता, एक होता आपका एन सेंटर, एक होता सरकम सेंटर। बाकी के दो भी मैं आगे नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करूंगा, अभी बात कर रहा हूँ सरकम सेंटर क्या होता। तो अगर हम बात करूँ सरकम सेंटर, जैसे अपन क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं हिंदी में, परिकेंद्र कहते हैं। सरकम सेंटर क्या होता, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते एक ट्राइंगल में, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट आपका क्या कहलाता है भाई, सरकम सेंटर कहलाता है। ध्यान से सुनना, एक ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट वो क्या कहलाएगा आपका, सरकम सेंटर कहलाएगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मैं यहाँ पे नाम नहीं दिया है, यहाँ पे मैंने नाम भी दे दे रहा आपका, कि अगर मैं नाम देने की बात करूं तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ क्या कि AD कर लू, BE कर लू, AD, BE और CF कर लो, ठीक है। तो AD जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, ऐसी बात करूं CF परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऐसी बात करूं BE क्या है, परपेंडिकुलर। तो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाएगा आपका, ये जो O है ये क्या कहलाएगा आपका, सरकम सेंटर कहलाएगा, ठीक है। ध्यान रखना सरकम सेंटर क्या होता। अब यहाँ पे भी आपके तीन एंगल फॉर्म हो रहा है, एक एंगल फॉर्म हो रहा है आपका BOC, तो यहाँ पे जो एंगल BOC हुआ, एंगल BOC बराबर में हो जाएगा। अब देखो इसके सामने कौन सा एंगल है, ये एंगल ए है ना, तो हम कह देंगे 2 एंगल A। ऐसे ही हम बात करें अगर एंगल AOC की, तो एंगल AOC मतलब ये वाला एंगल, इसके सामने कौन सा है, B, तो ये हो जाएगा आपका 2 एंगल B। ऐसे अगर हम बात करें एंगल AOB की, एंगल AOB, तो एंगल AOB हो जाएगा आपका 2 एंगल C। ये तीन एंगल निकालने का तरीका है सरकम सेंटर में, ध्यान रखना इस बात को भी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सरकम रेडियस क्या होगी, तो भाई सरकम रेडियस यहाँ पे होगी, मैं कह सकता इस वाले डायग्राम में सरकम रेडियस जो होगी आपकी, वो होगी आपकी OA इक्वल्स टू हो जाएगा, देखो OA ये सरकम रेडियस है, ऐसे ही OB ये भी सरकम रेडियस है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका OC, ये भी क्या है भाई आपकी सरकम रेडियस है। इसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल R से। सरकम रेडियस क्या होगी इस वाले ट्राइंगल में, OA, OB और OC, ये तीनों क्या है आपकी सरकम रेडियस। अब जैसे इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता, ऐसे ही सरकम रेडियस निकालने का भी फॉर्मूला होता। सरकम रेडियस निकालने का, सरकम रेडियस निकालने का फॉर्मूला मतलब कैपिटल R इक्वल्स टू होता है आपका A × B × C अपॉन में 4 और A। यहाँ पे ध्यान रखना जो ABC है, स्मॉल ABC है, वो ABC आपके इस ट्राइंगल की साइड को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब अगर मान लो ये साइड A है, ये साइड B है और ये साइड अगर स्मॉल C है, तो ABC जो है वहाँ पे साइड ऑफ द ट्राइंगल है अपॉन में 4A। जो कैपिटल A होता है वो हमेशा रिप्रेजेंट करता है आपका कैसे, एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि सर्कम रेडियस निकालने का जो फॉर्मूला है वो है आपका A × B × C अपॉन में 4A। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ से आपको हमारे जो दो सेंटर की प्रॉपर्टी है। हाँ, एक चीज़ और बची है अभी सर्कम रेडियस में, क्या अगर मैं बात करूं सर्कम रेडियस, तो सर्कम रेडियस तीन ट्राइंगल्स में और पूछा था कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल में सर्कम रेडियस कहां पे होता, पूछा जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में सर्कम रेडियस कहां पे होता, और पूछा जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल में सर्कम रेडियस कहां पे होता। तो मैं ध्यान रखना छोटी सी बात क्या, कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल में अगर हम बात करें, डायरेक्ट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल द सर्कम रेडियस कहां पे पाया जाता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल में, तो इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल सर्कम रेडियस इज लाई इनसाइड द ट्राइंगल। ध्यान रखना इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल सर्कम रेडियस की अगर मैं बात करूं, सर्कम रेडियस मतलब कैपिटल R से बात कर रहे हैं, सरकम सेंटर CC से रिप्रेजेंट कर दे रहा, ठीक है। सरकम सेंटर कहां पे लाई करेगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल में इनसाइड द ट्राइंगल। ऐसे अगर मैं बात करूं ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ये आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल में सरकम सेंटर कहां पे लाई कर रहा है, इनसाइड द ट्राइंगल। इन ऑप्ट्यूस एंगल ट्राइंगल सरकम सेंटर कहां पे लाई कर रहा है आपका, देखो आउटसाइड द ट्राइंगल, ये आपका ऑप्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। मतलब जिस एक ऑप्ट्यूस एंगल ट्राइंगल क्या होता, ये एक ऐसा एंगल जिसमें 90 डिग्री से क्या हो, एक एंगल बड़ा, एक ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें कम से कम एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, क्या होगा आपका ऑप्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो ऑप्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में आपका सरकम सेंटर जो लाई करेगा वो कहां पे करेगा आपका, आउटसाइड द ट्राइंगल, आउटसाइड द ट्राइंगल और ऑप्ट्यूस एंगल के सामने। अगर आप देखो इस वाले ट्राइंगल में तो एंगल बी क्या है आपका ऑप्ट्यूस, और ऑप्ट्यूस एंगल के सामने क्या है आपका सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर यहां पर सरकम रेडियस की अगर मैं बात करूं, तो सरकम रेडियस यहां पर क्या होगी, आप ध्यान दो यार, OA, OC और OB, ये तीनों दूरियां जो होंगी वो क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहां पे मैं कह सकता OA = OB = OC, ये भी क्या होंगी आपकी सरकम रेडियस।
अगर पूछा है राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम रेडियस सर्कम सेंटर कहां पे होता, तो ध्यान रखना है राइट एंगल ट्रायंगल सर्कम सेंटर कहां पे लाया करेगा आपका, हाइपोटेन्यूस के ऊपर। हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण के ऊपर। तुम देखो यार यहां पे लाया कर रहा है ये सर्कम सेंटर, तो हाइपोटेन्यूस के ऊपर लाया करेगा। और संघ के संग हाइपोटेन्यूस का क्या हुआ, मिड पॉइंट भी होगा। ध्यान रखना हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट हुआ कहां पे लाया करेगा, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस के ऊपर। यहां पे भी सेम कंडीशन के OA बराबर में OB बराबर में क्या हो जाएगा आपका, OC। तो मैं यहां पे आपसे आशा कर सकता हूं कि मैंने जो इनसेंटर और सरगम सेंटर आपको बताइए बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कहीं भी किसी पोर्शन में डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे से क्लियर करूंगा। ठीक है, बचा अब आपका सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर, ये हम नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों आई होप मैंने लास्ट वीडियो में आपको जो इनसेंटर और सरगम सेंटर के बारे में बताया था वो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। उसी को अब आगे बढ़ाते हुए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना, क्या दो जो बचे थे हमारे, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर। अच्छा एक चीज़ और, थोड़ा सा लास्ट में बच्चों ने कहा था कि सरकम सेंटर और आप एक बार क्लियर कर दीजिए, तो मैं स्टार्टिंग से बता दे रहा, तुम ध्यान से सुनते जाना बस। क्या है अगर मैं बात करूँ सबसे पहले कि आपका इन सेंटर, तो इन सेंटर क्या होता, एंगल बायसेक्टर का एक ट्राइंगल के अंदर जो एंगल बायसेक्टर होते हैं उन तीनों एंगल बायसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो कहलाएगा आपका इन सेंटर। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ सरकम सेंटर की, तो सरकम सेंटर क्या होता है आपका, ट्राइंगल के अंदर जो परपेंडिकुलर बायसेक्टर होते हैं तो तीनों परपेंडिकुलर बायसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो कहलाएगा आपका क्या, सरकम सेंटर, यानी कि क्या, परिकेंद्र। ठीक है, और सरकम सेंटर में तीन और बातें मैंने बताई थी, वो क्या थी आपकी, पहली बात जो थी अगर मैं बात करूँ एक्यूट एंगल ट्राइंगल में, तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल में जो सरकम सेंटर लाया करता, तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल में सरकम सेंटर लाया करेगा ट्राइंगल के अंदर। ऑप्टूस एंगल ट्राइंगल में सरकम सेंटर जो लाया करेगा वो करेगा आपका ट्राइंगल के बाहर और ऑप्टूस एंगल के सामने। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ ऑप्टूस एंगल एंड आउटसाइड द ट्राइंगल। ठीक है, तो जो सरकम सेंटर ऑप्टूस एंगल ट्राइंगल में कहाँ लाया करेगा, वो लाया करेगा आपका ट्राइंगल के बाहर और ऑप्टूस एंगल के सामने। अब अगर मैं बात करूँ राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो ऑप्टूस एंगल लाया कर, जो सरकम सेंटर लाया करता वो लाया करता आपका हाइपोटेन्यूस के ऊपर, हाइपोटेन्यूस के ऊपर, और हाइपोटेन्यूस का जो मिड पॉइंट होगा वही क्या कहलाएगा आपका, सरकम सेंटर कहलाएगा। ठीक है, आई होप ये तीनों बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। हम बात करते हैं क्या हमारे सेंट्रॉइड की, पहले तो ये दोनों चीजें हो चुकी, तो मैं यहां से हटा दे रहा है ना, एक इन सेंटर आपका हो गया और एक सरकम सेंटर आपका हो चुका। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं क्या सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड क्या है आपका, तो ध्यान देना जरा, ये तो मैंने बना रखा आपका एक्यूट एंगल के लिए, सॉरी इक्विलेटरल के लिए, या आपका ऑर्थो सेंटर की बातें। तो पहले हम बात कर रहे हैं सेंट्रॉइड, तो भाई सेंट्रॉइड सुनो यार, सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड को अपन हिंदी में कहते हैं क्या, केंद्रक। ठीक है, सेंट्रॉइड होता क्या है आपका, तो हमेशा ध्यान रखना कि एक ट्राइंगल के अंदर मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, एक ट्राइंगल के अंदर मीडियन का, मीडियन यानी कि माध्य का। ठीक है, एक ट्राइंगल के अंदर मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो कहलाता है आपका सेंट्रॉइड कहलाता है, ऐसे अपन कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। अब पहले तो समझो मीडियन क्या होती, ठीक है, तो मीडियन समझने वाला क्या होती, अगर मैं बात करूं सपोज दैट एक ट्रायंगल, मैंने एक ट्रायंगल बनाया ये, ठीक है, ट्रायंगल है आपका ये, इसे नाम दे दिया ए बी और सी। ठीक है, अब मैंने कह दिया कि बी सी का एक मिड पॉइंट है, बी सी का मिड पॉइंट मैंने कह दिया क्या है ये, ठीक है, मैंने कह दिया बी सी का मिड पॉइंट यानी क्या है आपका, मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु। ठीक है, तो मैंने कह दिया बी सी जो लाइन है, बी सी लाइन का जो मध्य बिंदु है यानी कि मिड पॉइंट क्या है, ये है। अब इस मिड पॉइंट से मैं ऑपोजिट वर्टेक्स की तरफ अगर मैं इस लाइन को जोड़ दूं, अब देखो इस मिड पॉइंट से मैंने एक ऑपोजिट वर्टेक्स की तरफ क्या खींची भाई, एक लाइन खींची, यहां से मैंने लाइन खींची कहां पे, यहां पे। ठीक है, अब मैं सीधी खींच दे रहा, नहीं तो टेढ़ी आड़ी लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो कहलाएगी इस ए बी सी ट्राइंगल की, ये जो कहलाएगी क्या कहलाएगी आपकी, मीडियन कहलाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि जो ए डी मीडियन है वो ए डी क्या होगी, मीडियन होगी किसकी, बी सी की। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ ए सी का मिड पॉइंट, मान लो सपोज दैट ये है, तो इसके मिड पॉइंट से ऑपोजिट वर्टेक्स से मैंने ये मिला दिया, और ऐसे ही मैंने कह दिया ए बी का मिड पॉइंट यहाँ पे, तो इसके वर्टेक्स से मैंने यहाँ पे ऑपोजिट वर्टेक्स से ऐसे मिला दिया, तो तीनों मीडियन, तीनों मीडियन यानी कि ए डी, एक मीडियन होगी आपकी बी ई, और एक मीडियन होगी आपकी सी एफ। तो तीनों मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है आपका, सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड को हम डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल जी से। तो मैं कह सकता हूं ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा आपका, कैपिटल जी यानी क्या, सेंट्रॉइड। मैं आशा कर सकता हूं कि ये मीडियन क्या है और सेंट्रॉइड क्या है आपको बहुत अच्छे समय में आ गया होगा। ठीक है, सेंट्रॉइड क्या होता, तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट, और मीडियन यानी माध्यिका क्या होती, तो एक ट्राइंगल में अगर मान लो बी सी एक साइड है, तो बी सी साइड का मिड पॉइंट से मैं ऑपोजिट वर्टेक्स को अगर कोई लाइन बना दूं तो वो क्या कहलाएगी आपकी, मीडियन कहलाएगी। अब ये हो गई आपकी मीडियन और सेंट्रॉइड। अब देखो यार इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती, प्रॉपर्टीज क्या होती, पहले तो अगर मैं बात करूं मीडियन की, जैसे मान लो एक ये ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल मैंने ये मीडियन ड्रॉ कर दी, तो इस मीडियन का काम क्या होगा, ये मीडियन ने
इस ट्राइंगल को इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब जितना एरिया इस वाले ट्राइंगल का होगा उतना ही एरिया इस वाले ट्राइंगल का होगा, ये जितना इस वाले का होगा उतनी क्या होगा इस वाले ट्राइंगल का एरिया होगा। तो मीडियन क्या करती है आपके ट्राइंगल के एरिया को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, और जो सेंट्रॉइड होता वो भी क्या करता है आपके ट्राइंगल के एरिया को इक्वल पार्ट में डिवाइड। अगर मैं मान लो सपोज दैट पूरे ट्राइंगल का एरिया मैं कह दूँ क्या है 36 है, अगर मैं कह दूँ पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना है 36 है, तो यहाँ पे जो छः छोटे छोटे ट्राइंगल बन रहे हैं देखो कौन कौन से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो 6 छोटे छोटे ट्राइंगल बन रहे हैं इन सभी का एरिया क्या होगा बराबर होगा, मतलब सभी का एरिया कितना हो जाएगा आपका 6, 6 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी किसकी होती सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड जो होता वो भी आपका क्या करता है एरिया को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता। अब एक चीज़ और समझो यार, अगर मैं मान लो सपोज दैट इसे हटा दूँ, जैसे मान लो सपोज दैट मैंने ये हटा दिया यहाँ से, ये अब भी ये क्या है भाई, ये सेंट्रॉइड है ना, ये तो मीडियन थी ना आपकी, ये देखो ये क्या है तुम्हारा सेंट्रॉइड, ये सेंट्रॉइड है। तो सेंट्रॉइड अगर ये है तो ये तीन ट्राइंगल अब तुम्हें दिख रहे होंगे, अभी तक 6 दिख रहे थे अब 3 दिख रहे होंगे, तो तीनों ट्राइंगल का जो एरिया होगा बराबर, मतलब इस वाले ट्राइंगल का एरिया, इस वाले ट्राइंगल का, इस वाले ट्राइंगल का, तीनों ट्राइंगल का एरिया क्या होगा आपका बराबर होगा। ये काम किसका होता है सेंट्रॉइड का। एक चीज़ और, अगर मान लो सपोज दैट ये ट्राइंगल है और ट्राइंगल में एक ये मीडियन मैंने ड्रॉ कर दी, ये मीडियन है और ये क्या है आपका सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड क्या करता है ये सेंट्रॉइड जो जी है ये इस मीडियन को 2:1 में क्या कर देगा डिवाइड कर देगा, मतलब जितनी भी मीडियन की लेंथ होगी वो उसे 2:1 में कर देगा तोड़ देगा। तो यहां पे ध्यान रखना, अगर मान लो सपोज दैट मैं ड्रॉ कर दूं यहां पे क्या ये मीडियन, अगर मैं पूरी कंप्लीट ड्रॉ कर दूं यहां पे ये मीडियन बढ़ गई बन गई आपकी, ये अभी तक ऐसी थे, तो मैं कह सकता हूं जो ये भी 2:1 में डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2:1 में डिवाइड हो जाएगा, ये भी क्या होगा 2:1 में डिवाइड, मतलब सेंट्रॉइड का काम ही होता वो मीडियन को क्या कर देता 2:1 में डिवाइड कर देता। तो मैं आशा करता हूं कि सेंट्रॉइड की और मीडियन से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ऑर्थो सेंटर की तरफ। ऑर्थो सेंटर क्या होता है तो देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो ऑर्थो सेंटर है और जो सरकम सेंटर है दोनों लगभग लगभग एक जैसे ही हैं, बस फर्क दोनों में क्या है, जो सरकम सेंटर था वो क्या था आपका परपेंडिकुलर बायसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट, वो क्या अलग कहलाता है आपका सरकम सेंटर। लेकिन अगर मैं ऑर्थो सेंटर की बात करूँ तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है आपका, ऑर्थो सेंटर होगा आपका क्या कि एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट, एक ट्राइंगल में जो एल्टीट्यूड होती है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाएगा आपका ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। ध्यान रखना ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर में मिक्स कंफ्यूज नहीं हो जाना, दोनों लगभग सेम दिखते हैं लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। वो होता है आपका परपेंडिकुलर बायसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट और जो ऑर्थो सेंटर होता है वो होता है आपका एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट। अब जैसे आपका सरकम सेंटर में था कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल में, ऑप्टिक्स में और राइट में, ऐसे ही आपका ऑर्थो सेंटर में भी है। अगर मैं बात करूँ एक्यूट एंगल ट्राइंगल में तो क्वेश्चन आएगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ पे लाया करता, तो हमेशा ध्यान रखना एक्यूट एंगल ट्राइंगल में जो ऑर्थो सेंटर होगा वो कहाँ पे लाया करेगा आपका इनसाइड द ट्राइंगल। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन आ जाए इन ऑप्टिक्स एंगल ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर कहाँ पे लाया करता, ऑप्टिक्स एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ पे लाया करेगा, तो ध्यान रखना सरकम सेंटर में ऑर्थो सेंटर कहाँ पे लाया कर रहा था आपका ऑप्टिक्स एंगल के सामने और ट्राइंगल के बाहर। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, ऑप्टिक्स एंगल ट्राइंगल में जो ऑर्थो सेंटर लाई कर रहा है वो कहाँ कर रहा है ट्राइंगल के तो बाहर लाई कर रहा है, एबीसी हमारा एक ट्राइंगल है, एबीसी ट्राइंगल है, इस एबीसी ट्राइंगल के बाहर लाई कर रहा है ऑर्थो सेंटर और संग के संग ऑप्टिक्स एंगल के पीछे लाई कर रहा है। अब अगर एंगल बी ऑप्टिक्स एंगल है तो एंगल बी के पीछे लाई कर रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना इन ऑप्टिक्स एंगल ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर लाइज बैक साइड द ऑप्टिक्स एंगल एंड आउटसाइड द ट्राइंगल, ट्राइंगल के बाहर और ऑप्टिक्स एंगल के पीछे लाया करेगा क्या आपका ऑर्थो सेंटर ऑप्टिक्स एंगल ट्राइंगल में। नेक्स्ट तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ पे लाया करता, तो भाई ध्यान रखना सरकम सेंटर राइट एंगल ट्राइंगल में कहाँ पे लाया करता, मैंने मार्क भी कर रखा राइट एंगल ट्राइंगल में सरकम सेंटर कहाँ पे लाया करता हाइपोटेन्यूज के ऊपर, और ऑर्थो सेंटर कहाँ पे लाया करता आपका डायरेक्ट राइट एंगल पे, तो राइट एंगल पे लाया करता आपका ऑर्थो सेंटर और हाइपोटेन्यूज के ऊपर क्या लाया करता आपका सरकम सेंटर। ये बेसिक डिफरेंस है ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर में, चार के अलावा पांचवा कोई भी सेंटर नहीं होता ध्यान रखना। अब यहां पे भी क्या है आपका तीन, यहाँ पे तीन एंगल फॉर्म हो रहा है, एक एंगल फॉर्म हो रहा है आपका बीएचसी, देखो यार एक बार ये बीएचसी, अगर मैं बात करूँ एंगल बीएचसी बराबर है बीएचसी बराबर में हो जाएगा 180 माइनस में एंगल ए, इसके सामने कौन सा एंगल है एंगल ए। ऐसे अगर मैं बात करूँ एंगल एएचसी की, एंगल एएचसी मतलब ये वाले एंगल की, इसके बराबर में क्या हो जाएगा आपका एएचसी बराबर में 180 माइनस में एंगल क्या हो जाएगा बी, क्योंकि इसके ऑपोजिट में कौन सा है बी। ऐसे अगर मैं बात करूँ एंगल एएचबी की, एंगल एएचबी, तो एंगल एएचबी बराबर में हो जाएगा आपका 180 माइनस में एंगल सी,
180 मतलब इसके सामने देखो यार एंगल सी है ना, ए एच बी के सामने एंगल सी, तो 180 माइनस में एंगल सी। ये तीनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है, ठीक है। आई होप तुम्हें इतना सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल में। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में एक बार नहीं हज़ारों बार क्वेश्चन आया हुआ है क्या कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में सरकम सेंटर कहाँ पर लाया करता, या तुमसे क्वेश्चन आएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल में सेंट्रॉइड कहाँ पर लाया करता, या क्वेश्चन आएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल में इन सेंटर कहाँ पर लाया करता। तो भाई सीधी सीधी बात, तो मैं सिर्फ एक छोटी सी बात याद रखनी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो चारों सेंटर होते हैं, चाहे वो आपका एन सेंटर हो, चाहे वो आपका सरकम सेंटर हो, चाहे वो आपका सेंट्रॉइड हो, चाहे वो आपका क्या हो ऑर्थो सेंटर, चारों सेंटर आपके इनसाइड द ट्राइंगल लाया करते, हमेशा ध्यान रखना। इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल द सेंटर लाया इनसाइड द ट्राइंगल, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल द सेंटर लाया इनसाइड द ट्राइंगल। ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जितने भी सेंटर है सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर ही लाया करते, ध्यान रखना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या, इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको इन रेडियस फाइंड करनी, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल में तुम्हें इन रेडियस फाइंड करनी हो तो इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है ए अपॉन में 2√3, और जो जहां पे ए जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड को रिप्रेजेंट करेगा। हमेशा ध्यान रखना इन रेडियस बराबर में क्या हो गया, आर बराबर में स्मॉल आर बराबर में ए अपॉन में 2√3। अगर निकालने को आ जाए कैपिटल आर यानी कि आपका सरकम रेडियस, तो कैपिटल आर बराबर में होता ए अपॉन में आपका 3। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल की, तो हमेशा ध्यान रखना एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा आपका 3/4 और इनटू में क्या होगा आपका ए स्क्वायर, ठीक है। एक चीज़ और हाइट की और आती, हमेशा कभी कभी हाइट का भी क्वेश्चन आ जाता है, हमेशा ध्यान रखना। तो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बराबर में होता आपका 3/2 और इनटू में क्या होगा आपका ए होगा, 3/2 इनटू में ए, जो ए होगा वो रिप्रेजेंट करेगा साइड को। स्मॉल ए हमेशा ध्यान रखो, स्मॉल ए हमेशा साइड को रिप्रेजेंट करता हो, कैपिटल ए हमेशा रिप्रेजेंट करता आपके एरिया को। तो यहाँ पे हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल 3/2 ए हो जाएगा। मैं आशा कर सकता हूँ आपको चारों ट्राइंगल जो मैंने आपको बताया, ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज थी इन सेंटर्स को लेके, आपका सेंटर ऑफ ट्राइंगल को लेके ये सारी प्रॉपर्टीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, वो सारी प्रॉपर्टीज आपके संग डिस्कस करूंगा। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को जरा बराबर शेयर करते रहिए, इससे जो नीडी एस्पायरेंट्स हैं उन सभी तक मेरी वीडियोस पहुंच जाएं, और उन्हें भी कुछ हेल्पफुल, उन्हें कुछ इसमें अगर मददगार साबित लग रहा हो तो काफ़ी मतलब उनके लिए बेनिफिशियल है हमारे हिसाब से। तो इन्हें वीडियो को शेयर करते रहिएगा बराबर। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद।